सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं जयपुर के लिए। अभी मैं हूँ अलवर में, मैं और एक BMW RR 310, दो बाइक जा रही हैं आज। और उसका रीज़न है यार, अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले मीटिंग स्पॉट पे चलते हैं। और वैसे काफ़ी धूप आ चुकी है और मैं जा रहा हूँ अपने NS 100 पे फुल राइडिंग गियर्स पहन कर। 150-170 किलोमीटर है जयपुर यहाँ से। ये रही भाई लोग RR 310, ये रही अपनी NS। अभी आप देख सकते हो मैंने फुटरेस्ट वगैरह लगा लिए हैं, पीछे काउल हटा लिया। उसका रीज़न है भाई, हमको RR 310 छोड़ के आनी है जयपुर में। और ये देखो भाई, दोनों बाइक्स फुल गॉन्टलेट वाले ग्लव्स पहन के जा रहे हैं हम। रीज़न है कि RR 310 में एक प्रॉब्लम आ रही है, अपना आप स्टार्ट हो जाती है भाई, तो कोई सेंसर है, मतलब वैसे चाबी अंदर नहीं पड़ती, फिर जाके स्टार्ट होती है। मतलब बिना सेल्फ भी स्टार्ट हो जाती है जैसे हम उसकी इग्निशन ऑन करते हैं। हाँ, पावर बटन होना चाहिए फिर होगी स्टार्ट, बट बिना सेल दिए। तो ये एक फॉल्ट है, बहुत टाइम से कई बार स्टार्ट नहीं भी होती, ये भी दिक्कत आ जाती है। तो उसको ही फिक्स कराने जा रहे हैं, बट कंपनी वालों ने बोला है कि भाई 3-4 दिन लगेंगे डायग्नोस करने के। ये देखो रॉन्ग साइड, देखो रहा है एक स्पोर्ट का अलॉय, बढ़िया लग रहा है यार। उसको जयपुर से ही ली थी हमने, अपने डिलीवरी वीडियो भी देखी होगी, पिछली सर्विस वीडियो भी देखी होगी। अपने सिटी के बाहर से बाइक ले तो एक बहाना मिल जाता है घूमने का। अब मैंने भी बाहर से ली, यहाँ पे GN100 की सर्विस नहीं होती, को कुछ भी काम आता है उसमें हमको जाना पड़ता है गुड़गांव दिल्ली, इसी बहाने एक बढ़िया सी राइड हो जाती है यार। और क्या चाहिए, एक बहाना होता है, हम तो वैसे भी जाते ही रहते हैं। ये पेट्रोल डलवाना है हमको। पेट्रोल पंप वाइप्स। तो भाई ये रही वो RR 310 जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, अभी जस्ट हमने फिलअप करा लिया, नहीं ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है टैंक। ये मैंने ऑन करी बाइक, अब कई बार अपना आप स्टार्ट हो जाती है RR 310। ₹1000 की पेट्रोल में हमारी एक डंडी कम है बस पेट्रोल की, बाकी पूरे लेवल भर चुके हैं हमारे। वो कम दिख रहा होगा, स्टीकर लगा रखा है भाई। बना रहे हैं हम सिनेमेटिक रेटिंग है वीडियो। भाई 3 बंदे बैठा कर ओवरटेक कर रहा है, देखो अब वो भी होएगा कैसे यार, एक्टिव से जी चला ले भाई। खाएंगे भाई कचौरी हमेशा की तरह कुशालगढ़ की। हाँ, अभी जस्ट कुशालगढ़ में भाई कचौरी खाने के बाद जस्ट स्टार्ट हो चुका है सर्विस का। और यहाँ आते ही भाई आप बोलते हो वाइल्ड एनिमल्स दिखने लग जाएंगे। वहाँ एक किला भी है देखो, रास्ता में बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, कोई भी फोटो आपको दिख सकता है कभी भी। और कैमल्स वगैरह दिख जाते हैं यहाँ पर, ज़्यादा भगाएंगे नहीं। ये देखो बंदर कितने सारे, और यहाँ पर भाई टाइगर्स भी है बहुत सारे, बाकी दिखना बहुत रेयर होता है, कई बार रोड पे भी आ जाते हैं इधर।
और हॉर्न वगैरह बजाना मना है इधर। यहाँ पर है भाई सरिस का पैलेस, इधर से राइट जाओगे तो, और यहाँ पर आप सफारी वगैरह कर सकते हो। ये जिप्सी में इसकी कॉस्ट वैसे काफ़ी ज़्यादा है, देखो सामने हो रहा सरिस का पैलेस। यहाँ पर आप बुकिंग कर सकते हो अपनी सफारी की। ये देखो ये लिख रहा सरिस का टाइगर रिजर्व। यहाँ से रास्ता पांडुपोल के लिए भी जाता है, और अगर आपको अंदर जंगल एक्सप्लोर करना है तो अंदर जा सकते हो। मॉडर्न वर्ल्ड अपन को पसंद ही नहीं है, अपन को तो ये चाहिए भाई, पेड़ पौधे, कम इंसान, बाइक्स, ये पेड़ों की छाँव में बैठना। वैसे यहाँ रुकना ज़्यादा अलाउड नहीं है। बारहसिंगा है ना ब्यूटीफुल। अब रह गए भाई 100 किलोमीटर जयपुर यहाँ से, और यहाँ थोड़ी रोड बढ़िया आ चुकी है। अब पहले रोड ख़राब थी, आपने देखा अभी सरिस्का से निकल चुके हैं, अभी हम थानाबाजी पार कर लिया है। आई एम लुकिंग फॉर कॉर्नर गाइस, क्योंकि जो कॉर्नरिंग करने मज़ा ही ना वो कहीं नहीं है, आगे जाके आने वाले। बकरी आ चुकी है हमारे आगे, थोड़ी स्लो डाउन करनी पड़ेगी। लगता है जयपुर जाने का पेट्रोल तो इधर ही भुग जाएगा भाई। कोई नहीं यार, इसी चीज का मजा है, पेट्रोल कौन देखता है।
यार मजा आता है विलेजेस में। मेरे को यार अब तक राजस्थान में जितनी भी कॉन्डस वाली रोड मिली है ना, सबसे ज़्यादा विलेजेस में मिली है। यहाँ हमारे थोड़े टायर गीले हो गए, कोई सूख जाएंगे। बढ़िया परफॉर्म कर रही है अपनी बाइक यार। मजा है भाई एनएस भी कॉन्ट्रेक करने का। बस आपको अपोलो अल्फा एच1 होने चाहिए आपके बाइक में। अभी अपोलो अल्फा एच1 डाल रखा है मैंने, पेयर दोनों मिशलिन वाला। यार मैंने एक्सचेंज कर लिया मेरे फ्रेंड के साथ, मेरे एक दोस्त की जो NS100 है एनएस की, उसके में आगे मिशलिन था, मेरी में आगे अपोलो था। तो मैंने सोचा एक्सचेंज कर ली, पीछे वाला टायर उसके में मैंने मिशलिन दे दिया और मैंने डाल लिया उसका अपोलो। दोनों सेम घिसे पड़े थे, नहीं सही है दोनों टायर, मतलब घिसे क्या। जयपुर 72, अभी 3 किलोमीटर ही हुआ है यार, मुझे लगा काफ़ी टाइम से भगा रहे हम। यार वैसे मैं ये वाले रूट पे कार से आया था, बट मुझे नहीं पता था यार ये इतना तगड़ा रूट है यार, बाइक से फील होता है। मैं तो यार हर बार से वहाँ विराटनगर वाला रूट ले रहा था सीधा सीधा यार, वो तो भाई यहाँ ना जी यार जयपुर जाना है तो।
इंजन ब्रेकिंग हेल्प करती है भाई सडन ब्रेकिंग में, अभी आपने देखा जस्ट। खत्म स्लाइडिंग इट टू कॉर्नर लाइक अ पीस ऑफ केक। यहाँ थोड़ा ब्लाइंड कॉर्नर्स है, दिख नहीं रहा है आगे, वहाँ दिख रहा था पीछे। धूप काफ़ी हो गई है, मुझे लगता है एंटी फिल्टर चेंज करना पड़ेगा भाई। ये स्पॉट बढ़िया है यार, फिल्टर चेंज करने की जरूरत नहीं है। और ये लैंडस्केप कितना बढ़िया लग रहा है, कितने सारे पहाड़ दिख रहे हैं ये देखो भाई, बहुत खुला एरिया है यार। स्पीड यार, यार बेकर गलत आ रहे हैं भाई, कॉर्नर्स बढ़िया रहे हैं। मतलब भाई थोड़ा धीरे चलाते हैं इसलिए पीछे है जस्ट, बट भाई अपन नहीं रुकते, कॉर्नर देखते पागल हो जाते हैं हम। मैड फॉर कॉर्नर, भाई साहब सिंगल साउंड माइंड में लग रही सीधा ये।